फिर दोस्तों किसी और मिडिल क्लास एनिमे में आने के आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कि देख सकते हो 10:40 10:41 मतलब 11:15 बजने को आ गए और यहाँ पर हमें जोमेटो की तरफ से ऑर्डर आया है। जोमेटो की तरफ से ऑर्डर क्या है, एक मॉन्स्टर बॉम्बे मसाला चीज़ ग्रिल सैंडविच प्लस लेमन टी। तो चलो हम लोग अभी चालू कर देते प्रिपरेशन। तो दोस्तों हमें ऑर्डर आ गया है बॉम्बे मसाला ग्रिल सैंडविच का, तो ग्रिलर हम लोग पहले चालू कर देते तो गर्म हो जाएगा ग्रिलर इससे। तो हम लोग अभी सैंडविच का प्रिपरेशन करने के लिए जाते, तो यहाँ पर मैंने सैंडविच के प्रिपरेशन के लिए मैंने यहाँ पर लिया है चीज़ लिक्विड, क्योंकि चीज़ सैंडविच है। यहाँ पर मिंट मोयो है, यहाँ पर हमारा महाराष्ट्रन ठेचा है बॉम्बे मसाले के लिए, और यहाँ पर सब्जियाँ ली है। सब्जियाँ में मैंने देखो क्या क्या लिए, यहाँ पर मैंने ककड़ी ली है, ककड़ी बाद शिमला है, शिमला का टोमेटो है, टोमेटो का अपना बटाटा है, बटाटे के बाद यहाँ पर गाजर है, बीट है और ऑनियन है। तो हम लोग फटाक से सब चॉप करके लेते हैं। तो चॉप करने के लिए यहाँ पर मैंने सब्जियाँ लेके, तो सबसे पहला मैं क्या करूँगा, जो हमारा ब्रेड है 5 ब्रेड की स्लाइस लूँगा। यहाँ पर मैं ब्रेड भी है जो इंग्लिश ओवन का यूज़ करता हूँ, अच्छा खासा ब्रेड रहता है, बड़ा भी रहता है। तो इसके ऊपर मैं अभी बटर लगा के लेने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने 5 स्लाइस लिए, 5 स्लाइस के ऊपर बटर अच्छे से लगा के ले रहा हूँ मैं। बटर लगाने के बाद मैं करूँगा सब्जियाँ काटने का काम करूँगा। तो अब यहाँ पर मैंने ककड़ी ली है, ककड़ी को मैं अच्छे से 10 से 12 स्लाइस काटने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने 12 से स्लाइस काट लिए, और टमाटर और शिमला मिर्च को मैं अच्छे से धो के लूँगा। बीट रूट भी मैंने धो के लिया है। तो कैसा होता है वो सब्जियाँ जो रहते हैं मैं ज़्यादा करके धो के यूज़ करता हूँ, क्योंकि उसके साथ अपन सैंडविच जो रहता है वो हेल्थ कॉन्शियस लोगों के रहता है, और अपन डायरेक्ट सैंडविच में सब्जियाँ डालेंगे तो कैसे हो जाएगा, तो मतलब उसके ऊपर बैक्टीरिया रहते हैं। इसलिए तो मैं सब्जियाँ में कोई भी सब्जी रहते मैं धो के लेता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर शिमला मिर्च काट के ले रहा हूँ, अच्छे से चॉप करके एकदम छोटा छोटा कट करके लूँगा शिमला मिर्च। के बाद यहाँ पर मैं ऑनियन काट के ले रहा हूँ, ऑनियन एकदम रिंग में काटूंगा अच्छे से। ऑनियन का फ्लेवर जैसा जितना मतलब एकदम जाड़ा भी नहीं काटना है, बड़ा भी नहीं काटना है। इससे क्या होता है लेयरिंग अच्छे से हो जाता है और मतलब सैंडविच के साथ उसका स्वाद आ जाता है। इसमें मैं कोई चटनी नहीं लगा था, सबसे बड़ा बिना चटनी के मेरा जो नेचुरल सब्जियों का फ्लेवर रहता है ना, सब्जियों का फ्लेवर देने का एक कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मैं कैरेट भी छोटा छोटा काट के ले रहा हूँ। कैरेट का कैसा है, कैरेट आप ज़रा सा ज़्यादा ही छोटा काट के लेना चाहिए, नहीं तो कैरेट है ना ऐसा कच्चा कच्चा हो जाता है, वो पकता नहीं। कैरेट ज़रा ये रहता है ना कड़क रहता है इसलिए पकता नहीं। इसलिए उसके बाद मैंने बीट रूट लिए, बीट रूट को मैंने 2 स्लाइस लगा, क्योंकि ज़्यादा बीट करेंगे तो बीट बीट हो जाएगा। तो उसके बाद मैं सबसे बड़ा हमारा बॉम्बे मसाला चालू करने जा रहा हूँ। तो बॉम्बे मसाले के लिए मैंने यहाँ पर एक और एक हाफ बटाटा मतलब डेढ़ टोटल डेढ़ बटाटा लिया है। डेढ़ बटाटे के बाद यहाँ पर बाउल ले रहा हूँ, बाउल में मैं क्या करूँगा, ये दोनों बटाटा डेढ़ बटाटा मेरा स्मैश कर दूँगा स्मैशर से। अभी यहाँ पर मेरा स्मैशर से स्मैश हो गया, इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मैं मेरा ठेचा डालूँगा। तो यहाँ पर हमारा जो महाराष्ट्रन ठेचा है, महाराष्ट्रन ठेचा में डालने वाला हूँ। तो सबसे इसमें मैंने अभी नमक डाल दिया, नमक के बाद ठेचा डाल दिया, चाट मसाला डाल दिया, और इसको अच्छे से एकदम बढ़िया से मिक्स करके लूँगा। इससे क्या होगा कि जो हमारा पूरा चाट मसाला हो गया, नमक हो गया, अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और इससे ना डायरेक्ट मसाला रहेगा ना, मैं डायरेक्ट इसको मसाला करके दे देता हूँ, लेकिन हमें क्या करना है, चीज़ करना है। तो इसका मैं 2 टुकड़े करूँगा, और एक एक टुकड़े में मैं चीज़ लिक्विड भरने वाला हूँ। ये देखो चीज़ लिक्विड भरूंगा, जैसे मतलब आप इस टिक्की को खा के मतलब इमेजिन करके देखो ना, टिक्की का अंदर भी आपको चीज़ 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 ऐसा चीज़ी फ्लेवर आ जाएगा। टिक्की को अच्छे से रोल करके लेता हूँ, और यहाँ पर क्या करें, इसको हम लोग अच्छे से तवे पे सेक के लगे, ऐसे कच्चा नहीं देंगे। तो अभी यहाँ पर मैं तवा गर्म करने को रखा हूँ, तवा गर्म हो गया हमारा, तो इसमें तेल डालूंगा। तेल डालने के बाद मैं क्या करूँगा, गैस का फ्लेम हाई कर रहा हूँ, और इसमें अब मैं टिक्की डालने वाला हूँ। तो क्या करता हूँ, टिक्की हमारा तेल गर्म हो रहा है, तब तक के लिए मैं क्या करता हूँ, ये टिक्की डाल देता हूँ। टिक्की डाल दिया मैंने, अभी टिक्की डालने के बाद मैं क्या करता हूँ, सबसे पहला मेरा सैंडविच के लेयरिंग लगा के लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं सैंडविच के लेयरिंग के लिए लेयरिंग वाइज देखो, आप देख लो, आप भी ऐसा लेयरिंग लगा सकते हो। तो मैं क्या करूँ, सबसे पहले ना ककड़ी डालने वाला हूँ। ककड़ी से पहले मैं मिंट मोयो ना पूरा 5 के 5 स्लाइस पे मिंट मोयो लगाने वाला हूँ। ये मिंट मोयो है, इसमें मिंट का फ्लेवर रहता है, मेरे को चटनी डालने की ज़रूरत नहीं रहती। फिर यहाँ पर मैंने 1 स्लाइस पे मैंने ककड़ी डाल दी, ककड़ी को अच्छे से मैं डाल के ले रहा हूँ। अभी ककड़ी डालने के बाद ऊपर से मैं नमक और चाट मसाला डाल के ले रहा हूँ। यहाँ पर मैं नमक और चाट मसाला के बाद मैं टमाटर डाल दिया उसके ऊपर। टमाटर के बाद मैं क्या करूँगा, ये दूसरा लेयर क्लोज कर दूँगा। दूसरा लेयर क्लोज करने के बाद ऊपर से ना मैं क्या करने वाला हूँ, ये अभी दूसरा लेयर पे ऊपर हमने ये जो
चिली चिली गार्लिक पेस्ट लगा रहा हूँ जिससे फ्लेवर अच्छा हो जाएगा। तब तक लिए देख लो हमारा जो टिक्की है अच्छे से सिक रहा है, अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया हमारा टिक्की। तो अभी हम लोग इसके ऊपर शिमला मिर्च डालेंगे, शिमला मिर्च के बाद या उसके ऊपर गाजर भी डालने वाले। ये देखो गाजर भी डाल दिए, गाजर ज़रा से डालता हूँ क्योंकि मेरे से ना ज़रा बड़ा बड़ा टुकड़ा कट गया, तो मैं थोड़ा थोड़ा ही गाजर डाल रहा हूँ। अभी ये गाजर डाल दिया, उसके ऊपर क्या करो मैंने चीज़ लिक्विड डाल दिया। चीज़ लिक्विड के बाद ये दूसरा लेयर हमारा, ये तीसरा लेयर क्लोज होने जा रहा है। तीसरे लेयर में हमारा क्या जाता है, तीसरे लेयर में हमारा जाता है बॉम्बे मसाला। ये हमारा बॉम्बे मसाला पूरी तरह से अच्छे से पक गया है। पकने के बाद मैं क्या करूँगा, अब इसको अच्छे से लूँगा और है ना तवे के ऊपर रख के ज़रा सा अच्छे से सेट करने का रख दिया। अभी अच्छे से हमारा सेट हो गया, उसके ऊपर से हम लोग चाट मसाला डाल रहे हैं, चाट मसाला अपना चीज़ लिक्विड डाल रहे हैं। और ये चौथा लेयर भी हमारा क्लोज हो गया, ऊपर से बीट रूट और ऑनियन डाल के ये भी हमारा लेयर जो है क्लोज करने वाले हैं। चाट मसाला और नमक डाल के ऊपर से ज़रा सा मैंने चीज़ लिक्विड डाल दिया और अच्छे से प्रेस करके जो एक्स्ट्रा मटेरियल निकल रहा है बाहर उसको भी अच्छे से सेट करने वालों। अभी ये हमारा पूरी तरह से सेट हो गया है, तो अभी इसको क्या करेंगे हम लोग है ना ग्रिलर में रखने जा रहे हैं। तो चलो ग्रिलर में रखते हैं। ये हमारा ग्रिलर है, ग्रिलर को मैंने पहले ही 5-10 मिनट पहले ही सेट करने का रहा, पीछे मैंने लकड़ी रख दी और अच्छे से अभी ये सेट हो रहा है ग्रिलर में। ग्रिलर में सैंडविच रखने के बाद हम लोग 10 मिनट वेट करने वाला। अभी देख सकते हो 12 पे काटा है, 11 बज गए, 11:10 बजे हम लोग क्या करेंगे उसको अच्छे से ग्रिलर से निकाल देंगे। 11:05 बजे हमारा अच्छे से जो लाइन थे ग्रिलर ग्रिल मार्क्स बोलते हैं उसको, ग्रिल मार्क्स आ गए थे, सैंडविच हमारा एकदम क्रिस्पी होने चालू हो गया था दोस्तों। तो अभी क्या हम टाइम देखते हैं, अभी एक देखो हम लोग क्या करते हैं ग्रिलर में 5 मिनट हो गए तो हम लोग ना सैंडविच ज़रा पलटे मार देते, ऐसा अभी हम लोग है ना लाइन अच्छे से हो जाए इसलिए ये टेढ़ा करके ले रहे हैं। अभी तो हमारा सैंडविच टेढ़ा हो गया, उसमें क्या करते हैं देख सकते हो 11 से मतलब 10 मिनट बोलते बोलते हमारा 15 मिनट हो गया और हमारा सैंडविच देखो सैंडविच एकदम बन के एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी और लोडेड सैंडविच हमारा पूरी तरह से तैयार है। अभी हम लोग क्या करेंगे इसको निकाल के लेंगे प्लेट में, तो हम लोग अभी प्लेट में निकाल के ले रहे दोस्तों। दोस्तों आप इसका क्रिस्पीनेस देख सकते हो, ज़ूम कर, तो अभी हमारा सैंडविच अच्छे से हो गया। तो मैं क्या करता हूँ अभी इसको अच्छे से पैक करने से पहले दोनों तरफ से मैं काट लेता हूँ, दो स्लाइस हो जाएंगे। तो मैं अभी पैकिंग करने जा रहा हूँ, पैकिंग करने के बाद ऊपर से चीज़ स्लाइस भी रखूँगा। मैं पहला चीज़ ऐसा स्मैश करके डालता था लेकिन उससे अच्छा मतलब एकदम चिपचिपा हो जाता है इसलिए मेरे को पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने पैकिंग चेंज कर दिया। अभी ये सैंडविच देख सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको सैंडविच का वज़न करके भी दिखाऊंगा, यहाँ पर मैंने वज़न काटा सेट कर दिया और सैंडविच का वज़न देख लो दोस्तों, सैंडविच का वज़न लगभग आधा किलो सैंडविच है। तो अपना मॉन्स्टर बॉम्बे मसाला सैंडविच अच्छे से पैक करके उसमें लेमन टी और सॉस डाल के हमने अच्छे से पैक कर दिया। तो 11:17 हो गए दोस्तों, अभी हमारा ऑर्डर रेडी हो गया, तो हम लोग यहाँ पर ऑर्डर रेडी मार देते। ऑर्डर ज़रा लेट हो गया, नीलेश करके राइडर है जो 4 मिनट से वेटिंग कर रहे, ऑर्डर रेडी मार देता हूँ मैं। ऑर्डर रेडी हो गया, अभी उसको हम लोग ऑर्डर देने जा रहे। तो ऑर्डर रेडी करके हम मैं जा रहे राइडर को ऑर्डर देने। तो यहाँ पर मैं नीचे उतर रहा हूँ मेरे क्लाउड किचन से, अभी मैं राइडर को ऑर्डर देने जा रहा हूँ। तो आपको कैसा वीडियो लगा बता देना दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक कर देना दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।